रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है। उसी के साथ कड़ी सुरक्षा के इंतजाम वहां पर सचिवालय के आसपास के क्षेत्रों में की गई है। ये बड़ी संख्या में स्टैचू सर्किल और आसपास का दृश्य है जहां पर पुलिस जाब्ता तैनात है। और ज्यादा जानकारी के लिए जयपुर से हमारे संवाददाता अनिल सेन सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या बताएंगे, आज बीजेपी का सचिवालय कूच है, आज सचिवालय का घेराव करेंगे, किस तरह से पुलिस और प्रशासन की तैयारी है वहां पर देखने को मिल रही है, और क्या कुछ आज का माहौल रहने वाला है, क्या बताएंगे? देखिए बिल्कुल गौरवी, और भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए। हम देख रहे हैं कि कार्यकर्ता और तमाम जो नेता हैं वो बीजेपी कार्यालय के बाहर यहाँ पर आए हैं। फिलहाल जो तस्वीर देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ पर जनसभा का कार्यक्रम होगा, लेकिन उससे पहले मंच की एक तस्वीर, मंच पर कार्यकर्ता यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। और कार्यकर्ता में अगर देखा जाए, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी है, राजेंद्र गहलोत हैं, और सांसद सीकर के जो संविधानीय सांसद थे वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसके साथ साथ जो पूर्व कैबिनेट में, राजस्थान की कैबिनेट में जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे वो भी यहाँ पर पहुँच सके। बड़े नेताओं का आने का इंतजार फिलहाल यहाँ पर, और थोड़ी देर में हम देखेंगे कि जो मजमा यहाँ पर लगेगा बड़ा घेराव का, क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कि थोड़ी देर में कार्यकर्ता पहुँचेंगे यहाँ पर, सभा स्थल का कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर शुरू होगा, और उसी को लेकर अब थोड़ी देर में, क्योंकि ये जो बड़ा घेराव है, एक जन मैसेज देने वाला यहाँ पर होगा, उस मैसेज देने की कवायद में ही जो भीड़ यहाँ पर जुटाई जा रही है, पहले से ऐलान कर दिया गया था, और इस ऐलान के साथ में ये था कि इसको सबसे बड़ा घेराव यहाँ पर करना है। लगभग लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता उसको जुटाने के आह्वान यहाँ पर किया गया है, और हम देख रहे हैं कि जो भीड़ है, क्योंकि फिलहाल भी मंच सभा स्थल के साथ साथ दूसरी जगह पर जो भीड़ है, जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटना शुरू हो गए। सुबह से 10 बजे कार्यकर्ताओं को समय दिया गया था, और 10 बजे के बाद में लगातार जो कार्यकर्ता थे वो यहाँ पर भाजपा मुख्यालय के बाहर जुटना शुरू हो गए थे, और मुख्यालय के बाहर आकर कार्यकर्ताओं का आह्वान यहाँ पर किया गया था। आह्वान करते हुए लोगों ने एक आह्वान किया था, आप भी क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से विरोध है? देखिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उसने कहा है कि इंडिया का सबसे भ्रष्ट राज्य वो राजस्थान है। हम सब राजस्थानियों का आपने नाक कटा दिया, गहलोत सरकार अब होश में आइए, हम सब लोग जाग गए। ये केवल केवल भारतीय जनता पार्टी का रोष नहीं है, ये पूरे राजस्थानियों का रोष है, ये हिंदुस्तानियों का रोष है कि आपने हमारा नाम नीचे कर दिया है। तो गहलोत सरकार को एक भी दिन अपने पद में रहने का कोई अधिकार नहीं है,